हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 का वर्कशीट 5। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है, ए है अंजलि स्पेंड 1/5 ऑफ हर पॉकेट मनी ऑन कॉमिक्स एंड 3/4 ऑन स्वीट्स। हाउ मच ऑफ हर पॉकेट मनी डिड ही स्पेंड ऑल टुगेदर। ओके, देखिए 1/5 क्या है, कॉमिक्स पे खर्च करती है, 3/4 ऑन स्वीट्स, तो टोटल कितना खर्च होता है वही फाइंड करना है। लिखेंगे मनी स्पेंड ऑन कॉमिक्स कितना हो जाएगा, 1/5 दिया हुआ है। नेक्स्ट मनी स्पेंड ऑन स्वीट्स 3/4। ओके, टोटल पूछा है पूरा खर्च कितना हुआ है, देयरफॉर टोटल मनी स्पेंड 3/4 दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा आंसर कितना। देखिए 5 और 4 का एलसीएम लेंगे, 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, 5 डिवाइड होगा, 2 2 4, 2 1 2, 5 1 5। देखिए एलसीएम आ गया हमारा 2 × 2 × 5 इज इक्वल टू 20, 20 एलसीएम है। सॉल्व करेंगे इसको, 5 4 20, 4 टाइम गया तो ऊपर 1 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 5 20 क्या हो जाएगा, 3 × 5, 1 × 4 4 प्लस 3 × 5 15 डिवाइड बाय 20 ऐड करेंगे, 15 + 4 19/20 ये हमारा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट बी क्वेश्चन है, इन ए हाई जंप कॉन्टेस्ट रमेश जंप 3 f 8/9 meter एंड राकेश जंप 4 f 1/3 meter, हु जंप मोर हाइट एंड बाय हाउ मच मोर। ओके, देखिए राकेश 4 1/3 meter जंप करता है और रमेश 3 8/9, तो कौन ज्यादा जंप करता है वही फाइंड करना है। लिखेंगे रमेश जंप कितना है, 3 f 8/9 meter, इसको लिख सकते हैं 9 3 27 + 8 35 / 9 meter। ओके, नेक्स्ट राकेश जंप कितना होगा, 4 f 1/3 है, 4 3 12 12 + 1 13 13/3 meter। ओके, देखिए इसको हमको डिनोमिनेटर को सेम करना है, क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 3 / 3, 13 3 39 3 3 9, ये आ गया 39/9। देखिए इसमें हमको पता चल गया है रमेश और राकेश का कितना जंप कितना किए हैं। लिखेंगे हेंस 39/9 इज ग्रेटर देन 35/9। ओके, इसको माइनस करेंगे, 39/9 - 35/9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 39 - 35, 4/9 meter ये हमारा आंसर हो गया। लिखेंगे देयरफॉर राकेश जंप्ड मोर। ओके, नेक्स्ट सी क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन सोनल स्टडीड फॉर 3 f 1/2 hours, सी स्टडीड साइंस फॉर 1 f 1/4 hours एंड मैथमेटिक्स फॉर रेस्ट ऑफ द आवर्स। हाउ मच टाइम डिड सी स्टडी मैथमेटिक्स। ओके, कितने टाइम वो मैथमेटिक्स पढ़ती है वही फाइंड करना है। टोटल कितना है, 3 f 1/2 hours। ओके, लिखेंगे सोनल स्टडीड
थ्री है, 1/2 आवर्स है, लिखेंगे इसको 3×2=6+1 7/2 आवर्स। ओके नेक्स्ट, स्टडीड साइंस, साइंस कितना पढ़ती है, 1 है 1/4 आवर्स, क्या हो जाएगा 4×4 4+1 5/4 आवर्स। ओके इसको मैथ फाइंड करना है तो टोटल में क्या करेंगे, साइंस का माइनस कर देंगे, लिखेंगे देयरफॉर सी स्टडीड मैथमेटिक्स 7/2 - 5/4। देखिए 7, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा क्या आएगा, 4 आएगा, 2 2 ज़ा 4, डिवाइड करेंगे 4 को 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 टाइम गया 7 × 2 - 4 को डिवाइड करेंगे 4 से, 1 टाइम जाएगा 5 × 1, क्या हो जाएगा 7 2 ज़ा 14 - 5 × 1 5 डिवाइड बाई 4, 14 - 5 9/4 क्या लिख सकते हैं, देखिए 9/4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 have 1/4 आवर्स। ओके ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, मिस्टर गुप्ता हैड 15 have 2/5 liter ऑफ पेट्रोल इन हिज कार, ही वेंट फॉर ए ड्राइव, बाय द टाइम ही रीच्ड होम ही हैड ओनली 2 have 1/3 liter ऑफ पेट्रोल लेफ्ट, हाउ मच पेट्रोल वॉज यूज्ड। ओके देखिए जब वो घर के लिए निकलते हैं तो उसके उनके पास कितना पेट्रोल रहता है, 15 2/5 liter, और पहुंचने के बाद उनके पास कितना बचता है, 2 have 1/3 liter। ओके पूछा है हाउ मच पेट्रोल वॉज यूज, कितना पेट्रोल यूज हुआ है। ओके देखेंगे वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल इन कार कितना है, 15 have 2/5 liter। ओके क्या लिख सकते हैं, 15 5 = 75 + 2 = 77/5 liter। ओके पेट्रोल यूज कितना हुआ भाई पूछा है, लिखेंगे पेट्रोल लेफ्ट दिया हुआ है, पेट्रोल लेफ्ट 2 have 1/3 liter, 3×6 6+1 7/3 liter। ओके नेक्स्ट क्या होगा, फाइंड माइनस कर देंगे इसमें कितना पेट्रोल यूज हुआ है, नाउ 77/5 - 7/3, ये 5 और 3 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 15, 15 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 3 = 15, 3 टाइम जाएगा 77 × 3 - 3 को डिवाइड करेंगे 15, 15 को डिवाइड करेंगे 3 से, 5 टाइम जाएगा 7 × 5, लिखेंगे 77 × 3 = 231 - 7 5 = 35 डिवाइड बाय 15, माइनस करेंगे 231 - 35 को क्या जाएगा 196 डिवाइड बाय 15, इसको मिक्स नंबर में चेंज करेंगे डिवाइड करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा 13 have 1/15 liter, ये हमारा आंसर हो गया। ओके नेक्स्ट ई क्वेश्चन है, मिसेस कुमार बॉट 2 have 2/5 kg पोटैटोस, 2 kg ओनियंस एंड 1 have 2/5 kg टोमेटोस, फाइंड द टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स मिसेस कुमार बॉट। ओके कितना हो टोटल सब्जी का वेट कितना होगा वही फाइंड करना है, देखिए 2 have 2/5 kg पोटैटो है, 2 kg ओनियन है एंड 1 have 2/5 kg टोमेटो है, लिखेंगे टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे देखिए 2 have 2/5 + 2 + 1 have 2/5 kg, तो चेंज करेंगे 5 2 = 10, 10 + 2 = 12/5,
प्लस टू प्लस वन, फाइव वन जा फाइव प्लस टू सेवन बाई फाइव के केजी। नेक्स्ट फाइव देखिए एलसीएम कर लेंगे, फाइव एलसीएम आएगा हमारा, क्या हो जाएगा फाइव इंटू फाइव को डिवाइड करेंगे फाइव से, वन टाइम जाएगा ट्वेल्व इंटू वन, प्लस फाइव को डिवाइड करेंगे वन से, वन फाइव जा फाइव, फाइव मल्टीप्लाई करेंगे टू फाइव जा, प्लस फाइव को फाइव डिवाइड करेंगे वन टाइम जाएगा सेवन इंटू वन, ये ट्वेल्व इंटू वन ट्वेल्व, प्लस टू इंटू फाइव टेन, प्लस सेवन इंटू वन सेवन डिवाइड बाई फाइव, ट्वेल्व प्लस टेन ट्वेंटी टू, प्लस सेवन ट्वेंटी नाइन, ट्वेंटी नाइन बाई फाइव के जी। इसको मिक्स नंबर में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा फाइव है फोर बाई फाइव के जी। ओके ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट एफ क्वेश्चन है, नेहा यूज्ड वन हैव वन बाई टू मीटर रेड रिबन, थ्री बाई फोर मीटर येलो रिबन एंड वन मीटर वाइड रिबन फॉर हर प्रोजेक्ट, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ रिबन सी यूज्ड फॉर हर प्रोजेक्ट। ओके टोटल रिबन को ऐड करना है लेंथ, देखेंगे लेंथ ऑफ रेड रिबन कितना है, वन है वन बाई टू मीटर है, इसको लिख सकते हैं थ्री बाई टू मीटर। नेक्स्ट लेंथ ऑफ येलो रिबन कितना हो जाएगा थ्री बाई फोर मीटर। नेक्स्ट लेंथ ऑफ व्हाइट रिबन वन मीटर। ओके टोटल ऐड करेंगे टोटल लेंथ ऑफ रिबन इज इक्वल टू थ्री बाई टू प्लस थ्री बाई फोर प्लस वन। देखिए टू और फोर का एलसीएम लेंगे, फोर आएगा यहां पे टू से डिवाइड करेंगे फोर को, टू टू जा फोर, टू टाइम जाएगा थ्री इंटू टू, प्लस फोर को डिवाइड करेंगे फोर से, वन टाइम जाएगा फोर, वन मल्टीप्लाई करेंगे थ्री इंटू वन, प्लस फोर को डिवाइड करेंगे वन से, फोर टाइम जाएगा वन इंटू फोर, ये थ्री टू जा सिक्स, थ्री वन जा थ्री, वन फोर जा फोर डिवाइड बाई फोर करेंगे, देखिए सिक्स प्लस थ्री नाइन, नाइन प्लस फोर थर्टीन, ओके थर्टीन बाई फोर। इसको मिक्स नंबर में क्या लिखेंगे, देखिए फोर थ्री जा ट्वेल्व, थ्री टाइम जाएगा थ्री है वन बाई फोर, ये हमारा आंसर आ गया। ओके देखिए वर्कशीट फाइव के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। ओके